नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव गिरप्रप्टी। यूट्यूब चैनल से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक बजट 30,000 रुपीज़ का पीसीबी बनाने वाले हैं। तो जिन लोगों को 30,000 रुपीज़ के बजट में पीसीबी बनाना है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो पूरा वीडियो देखो, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करो, और साथ में इस वीडियो को लाइक से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आजकल के मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो ग्राफिक्स कार्ड है और रैम है, काफ़ी महंगे चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो 17,000 का ग्राफिक्स कार्ड है वो अभी 42,000 का मिल रहा है मार्केट में। आप सोच सकते हो कि कितना महंगा है। तो आज हम एक ऐसा बिल बनाने वाले हैं 30,000 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम जो है एपीयू इस्तेमाल करेंगे, हम ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। तो हमें बजट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ग्राफिक्स कार्ड कितना ज़्यादा जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात कर लेते हैं जो प्रोसेसर है उनके बारे में। तो जो प्रोसेसर हमने चूज़ किया है वो है राइजन 3 4350G 4350G, जिसको बोला जाता है। ये एक थर्ड जेन राइजन प्रोसेसर है। इसमें आपको 7 नैनोमीटर का बिल्ड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और इसमें आपको इंटीग्रेटेड वेगा ग्राफिक्स भी देखने को मिलता है। तो आपको अलग से जो है ग्राफिक्स कार्ड लेने का जरूरत नहीं है। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड है वो काफ़ी हद तक जो है आपको 730 या 1030 के आसपास परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है, GT 1030 के आसपास का परफॉर्मेंस। तो जो काफ़ी सही है ये प्रोसेसर। और इसमें आपको जो बूस्ट क्लॉक देखने को मिलता है वो आपको अप टू 4 GHz तक मिलता है। जो मिनिमम क्लॉक स्पीड है वो है 3.8 GHz, और मैक्सिमम 4 GHz, तो काफ़ी सही है। इसमें आपको 4.8 थ्रेड देखने को मिलता है, और 13,000 रुपये में आने वाला ये प्रोसेसर काफ़ी सही है। एक APU है, यानी कि CPU और GPU दोनों इसके साथ आता है। अब जो मदरबोर्ड हमने चूज़ किया वो है दोस्तों एस्ट्रॉक का A520M HDV। एक माइक्रो ATX वाला मदरबोर्ड है, और ये आपको लेटेस्ट जो चिपसेट है A520 उसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो A520 जो मदरबोर्ड है वो लेटेस्ट चिपसेट है। तो आने वाले काफ़ी सालों तक जो है आपके जो AM4 सॉकेट के ऊपर जो प्रेशर आएंगे वो ये सपोर्ट करेगा। तो ये अच्छा मदरबोर्ड है, ये आप ले सकते हैं। इसका प्राइस है 5,250 रुपये। इसके बाद हमने जो रैम चूज़ किया है वो ए डाटा का GAMX D30 जो आता है, 8 GB का 32 MHz वाला, वो आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा प्राइस महंगा है, 4,300 रुपये, बट क्या कर सकते हैं, लेना तो है। तो हम एक 8 GB का रैम भी ले रहे हैं, ए डाटा का D30 8 GB। इसके बाद जो पावर सप्लाई चाहिए इस बिल को पावर अप देने के लिए वो है कूलर मास्टर पे MWE 450W का ब्रोंज पावर सप्लाई, 80+ ब्रोंज पावर सप्लाई, जो आपको मिलता है लगभग 2,825 रुपये के आसपास, ठीक है। इसके बाद जो हमें जो स्टोरेज के लिए जो डिवाइस चाहिए हार्ड डिस्क, वो हमने चूज़ किया है WD का वेस्टर्न डिजिटल ब्लू 1 TB, और इसका प्राइस है 3,190 रुपये। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैबिनेट का। अब देखिए, जो कैबिनेट है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप सस्ता कैबिनेट लीजिए 1,000-2,000 का। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 2-3-4-5 वो भी ले सकते हैं। तो बट यहाँ पे मैंने एक जो कैबिनेट मैंने चूज़ किया है वो है डीपकूल का 40। अब ये जो कैबिनेट है ना वो काफ़ी बढ़िया कैबिनेट है। इसका जो प्राइस है नॉन 8 GB वाला वो है 3,250 रुपये, और जो 8 GB वाला है जिसमें आपको 3-3 8 GB फैन देखने को मिलता है वो है 3,900 रुपये का। ये भी एक माइक्रो ATX कैबिनेट है, तो थोड़ा छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है, जो कि देखने में क्यूट सा लगता है, अच्छा लगता है, और ये मदरबोर्ड के साथ बहुत अच्छा जाएगा। तो और इसका जो है टेम्पर ग्लास देखने को मिलता है, इसमें आपको फ्रंट साइड में जो है पूरा मेश डिज़ाइन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको अच्छा मेश तो नहीं, बट काफ़ी अच्छा कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, मतलब फ्रंट इंटेक्स के थ्रू। तो जो एयर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि जो डीप कूल है या कूलर मास्टर है, इनके जैसा जो फॉरेन के जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, उनके जो कैबिनेट का बिल्ड क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पर आप चाहे तो आप सस्ते कैबिनेट के साथ भी जा सकते हैं। अब जो एक टोटल प्राइस है वो निकल कर आता है लगभग 31,000 के आसपास, 31,815 रुपीज़। अगर आप 3,250 रुपये का कैबिनेट लेते हैं, और अगर 3,900 रुपये का कैबिनेट लेते हैं, तो वो ये 42,465 रुपीज़ के आसपास टोटल प्राइस निकल कर आता है। और अगर आपका बजट टोटल जो जो बजट है वो 30,000 रुपीज़ ही है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, आप तो एक 1,000-2,000 रुपये का सस्ता कैबिनेट भी आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो बिल्ड है
इसके अंदर आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो बिल्ड है इसके अंदर आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, जो ऑफिस वर्क कर सकते हैं, जो छोटे मोटे जितने भी काम है ना ये आप इसके अंदर कर सकते हैं। गेमिंग आप इसके अंदर अच्छा नहीं कर सकते, सॉरी इसके अंदर उतना अच्छा गेमिंग नहीं होगा। और अगर आप छोटे मोटे गेम खेलना चाहते हैं जैसे माइनक्राफ्ट वगैरह हो गया, वो सब आप खेल सकते हैं। थोड़ा पुराना गेम इसमें आपको 30 FPS पे चल जाएगा, बट लेटेस्ट जो गेम है उसके अंदर आप हाई FPS में इसके अंदर नहीं खेल सकते, बट पुराने गेम्स थोड़े बहुत चल जाएंगे। ऑफिस वर्क हो जाएगा, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग ये सब हो जाएगा। ये जब वेबसाइट डिजाइन बोलिए, ऑडियो एडिटिंग बोलिए, ये सब जो काम होता है वो सब इसके अंदर आपको हो जाएगा। आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो बजट पीसी बिल है अंडर 30,000 रुपीज़ का, इसका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो आए। और साथ में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई भी सजेशन है वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपका कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई देने का। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस, बाय बाय एंड स्टे सेफ, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।